हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। चैलेंजिंग सीरीज का डे 137 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, तो बिना देरी किए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हम लोगों का क्या है, देखिए सवाल में बोल रहा है ए बी सी आर थ्री टैप्स, ए एंड बी आर इनलेट वाइल सी इज आउटलेट। ठीक है, तीन टैप है हमारा, ए बी और सी, ये दोनों भरने वाला है और ये क्या है हमारा, खाली करने वाला। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सवाल में, When the tank was ABCR inlet pipe, ठीक है, When the tank is empty, tap A is open, जब tank पूरी तरीके से खाली था, tap A को क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। ठीक है, 10 hour later, when the tank was half empty, tap B was also open। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि टैंक जब आधा खाली था तब बी को भरा गया, और ये कब हुआ, 10 घंटे के बाद। तो 10 घंटे तक सबसे पहले कौन चला, ए चला। तो 10 घंटे में ए ने आधा, जब खाली है तो आधा भरा होगा, हाफ भरा है उसने 10 घंटे में, तो पूरा पूरी एक भरेगा कितना घंटे में, 20 घंटे में। ठीक है, इससे हमारा ये डेटा निकला। फिर क्या बोल रहा है सवाल में कि बी को भी अब खोल दिया जाता है, 3 आवर लेटर, मतलब अब जो कहानी है वो है 3 घंटे तक की। ठीक है, कि जब बी को खोला उसके 3 घंटे के बाद, When the tank was 1/4 empty, जब टैंक 1/4 खाली था। अब देखो यहाँ से तुम्हारा, तुमने जब 1/2 खाली रखा है, यहाँ पे 1/2 भरा, तो तुम्हारा खाली कितना रहा, 1/2। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, 1/2 हमारा क्या रहा, खाली रहा। अब बोल रहा है 1/4 खाली है, यानी कि हमारा भराया कितना, माइनस कर दो 1/4 से, यानी कि हमारा भराया है 1/4। ठीक है, कितना भराया हमारा, 1/4 भराया, यानी ये 1/4 जो है आगे भराया है, और ये भरा किसने किसने है, ए और बी मिलके भरा है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला था, 10 घंटे के बाद किसे खोल दे रहा है, बी को खोल दे रहा है, लेकिन ए को बंद नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी मिलके 1/4 भरता है 3 आवर में, तो 1 भरेगा हमारा कितने घंटे में, 12 घंटे में भरेगा। ठीक है, 1 कितने घंटे में भरेगा हमारा, 12 घंटे में भरेगा। फिर आगे क्या दे रखा है देखो, फिर बोल रहा है सवाल में कि 1/4 एम्प्टी एंड टैप ए वाज ओपन। ठीक है, 1/4 टैप ए, सॉरी 3 आवर लेटर, व्हेन द टैंक वाज 1/4 एम्प्टी, टैप ए वाज क्लोज। ठीक है, 3 घंटे के बाद जो है हमारा किस टैप को बंद कर देना है, ए को बंद कर देना है, मतलब ए बी जो है सिर्फ यही 3 घंटे तक काम करे, इसके बाद जो है ए काम नहीं करेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड सी वॉज ओपेंड, और किसको खोल दे रहा है, सी को खोल दे रहा है, मतलब आगे जो अब चलेगा वो कौन चलेगा, बी और सी हमारा चलेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड 15 आवर आफ्टर दैट टैंक इज फुल, और 15 घंटे के बाद टैंक जो है हमारा भर गया। तो अब यहाँ से देखो, 1/2 भर गया, 1/4 भर गया, तो टोटल तुम्हारा कितना भर के आया, यहाँ से देख लो तो 4 ले लो यहाँ से, 3/4 तुम्हारा क्या हो गया, टोटल भरा गया। ठीक है, 3/4 जब तुम्हारा भरा गया, तो अब खाली तुम्हारा कितना रहा है, खाली रहा है 1/4, जो बी और सी मिलके भरेगा कितने घंटे में, 15 घंटे। ठीक है, तो 1/4 बी और सी मिलके 15 घंटे में भरता है, तो बी और सी मिलके ही एक यूनिट जो काम करेगा वो कितना देर में काम करेगा, 60 घंटे में काम करेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से एक डेटा निकल के आ गया कि ए का हमारा निकल के आ गया 20 घंटे में भरता है, ए बी जब काम करता है तो 12 घंटे में भरता है, बी सी काम करता है तो 60 घंटे में भरता है। अब तुम्हारा यहाँ से सर, बहुत लोगों का क्या होता है कि यहाँ जैसे ही ए दिख गया और ए बी दिख गया, तो पहले ए निकाल लेते हैं, यहाँ से बी निकल जाएगा, बी निकाल के सी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें ऐसा नहीं करना होता, सवाल समझो पहले, सवाल में पूछा क्या है, उसके बाद फिर तुम करो कि तुम्हें उसके अकॉर्डिंग निकालना क्या है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, इफ टैप ए एंड बी आर ओपन, क्या बोल रहा है कि टैप ए और बी को जो है खोल दिया जाता है, व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, जब टैंक खाली हो तब। ठीक है, किसको किसको खोल दिया जाता है, टैप ए और टैप बी को खोल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से तुम देखो, ए भरता है 20 घंटे में, ए और बी मिलके भरता है हमारा, ए और बी मिलके भरता है हमारा कितने घंटे में, 12 घंटे में। ठीक है, बी और सी मिलके भरता है हमारा कितने घंटे में, 60 घंटे में। टोटल काम कितना हो गया, यहाँ से टोटल काम ले लो 60, 20 से हमारा कितना बार में हो जाएगा, 20 से 3 बार में, 12 से 5 बार में, 60 से 1 बार। ठीक है, ये हमारा रेस्पेक्टिव इफिशियंसी निकल गया। यहाँ से थोड़ा अगर तुम देखोगे तो हम लोग इफिशियंसी पे बात करेंगे, तो ए की इफिशियंसी कितनी निकल जाएगी, 3, भरने वाला है तो पॉजिटिव में। बी का देख लो, ए बी जोड़ के 5 है, ए 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 2।
बी का जब तुम दो लोगे सी इधर से माइनस वन दे देगा, यानी कि सी की जो इफिशियंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव में, यानी कि माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखो क्या दे रखा है तुम्हें सवाल। अब क्या बोल रहा है कि इफ टैप ए एंड बी आर ओपेंड व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, जब टैंक खाली है तो ए और बी को खोल दिया जाता है, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय के बाद बी को बंद कर दें एंड सी को खोल दें सो दैट द टैंक इज फुल इन 15 आवर। कितने देर के बाद बी को बंद कर दिया जाए और सी को खोल दिया जाए कि टैंक जो है हमारा कितने घंटे में भर जाए, 15 घंटे में भर जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, सबसे पहले ए और बी शुरू हुआ, ए और बी का रेस्पेक्टिव इफिशियंसी यहाँ से कितना है हमारा 5। मान लिया हमने कि ये एक्स घंटे तक कुछ चला होगा, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है हमारा बी को बंद कर दे रहा है, तो हमसे यही सवाल है पूछा, इसी एक्स का मान निकालना है कि कितने घंटे के बाद बी को बंद कर रहा है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ से हमारा कि ए बी को चालू किए, बी को बंद कर दिए, और किसको अब खोल दिया, सी को, सी काम करेगा किसके साथ, ए के साथ, ए का एफिशिएंसी 3, सी का माइनस 1, 3 में 1 चला जाएगा यानी 2 के एफिशिएंसी से, एक्स घंटा काम कर दिया, टोटल 15 घंटा था तो यानी समय बचा कितना 15 माइनस में एक्स घंटे, और इसी तरीके से हमारा टोटल कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखो 5x, यहाँ देखो 2x माइनस में, घट के क्या दे देगा 3x, 15 दुना कितना हो जाएगा 30, 60 में 30 चला जाएगा यानी कितना हो जाएगा 30, 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आएगी, 10 घंटे, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 10 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन था। देखो इस सवाल में लिटरली यहाँ पे ही तुम्हें इस पार्ट में तुम्हें ध्यान देना था कि ये वाला पार्ट तुम्हारा कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ बोला था तुम्हारा जब टंकी आधा भरा है तो वो 10 घंटे में भर रहा है, तो आधा भरने का मतलब कि आधा के बाद का कार्यक्रम करने का क्या है। देखो इसमें स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान समझो, तुम्हें क्या बोला है कि जब वो आधा खाली था, ठीक है, तो मतलब क्या, उसके पहले कितना काम हुआ था, 1/2 काम हो चुका था, वो कितना देर में हुआ था, 10 घंटे में। फिर क्या बोला था तुम्हें, जब वह 1/4 खाली है, तो 1/4 खाली होने का मतलब क्या है, उसके पहले 1/4 काम हो चुका है, तो 1/4 काम किया कितना देर में, 3 घंटे में, 1 काम करेगा 12 घंटे में, फिर 1/4 हो गया, 1/12 हो गया, तो काम कितना बचा हमारा, 1/4 बचा, 1/4 हमारा कितना देर में करेगा, 15 घंटे में, तो एक काम कितना देर में करेगा, 60 घंटे में। यहाँ से हम लोगों ने ए ए बी और बी सी का टोटल वर्क निकाल लिया, यहाँ से इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, जब इफिशियंसी निकल के आ जाएगी तो सवाल को सॉल्व कर लो, जो बोला है भैया एकदम आसान सा एक इक्वेशन बना लो, ए बी का पहले साथ में, फिर ए सी का साथ में, और टाइम तो दिया हुआ है, एक को मान लो एक्स, दूसरे को मान लो कितना 15 - x, और सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अगर सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन तुम तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, चलो थैंक यू।